नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। आज से हम ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं और यह शॉर्ट वीडियो है, तो शॉर्ट वीडियो में एक मिनट के अंदर ही वीडियो हमें बनाना है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले से लिखे हुए हैं, तो आइए पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि एक शंकु है और उसका पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। यदि त्रिज्या जो है उसका दे दिया है 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिख दिया यहाँ त्रिज्या बराबर आर को मानते हैं और तिर्यक ऊंचाई को एल को मानते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया एल बराबर 5 सेंटीमीटर, एल बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं क्या इसमें पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो पाई और R को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा L प्लस यहाँ पर एक R बच जाएगा क्योंकि एक R यहाँ आ गया है, तो एक R यहाँ पर बच गया यानी त्रिज्या। अब क्या करना है हमको, इसका मान बैठा देना है। देख रहे हैं कि पाई का मान तो सभी जानते हैं कि 22/7 होता है, फिर गुना R का मान 5 है तो 5 दे दीजिए, उसके फिर ब्रैकेट ब्रैकेट दे दीजिए। एल का मान 13 है तो यहाँ पर 13 लिख लीजिए, प्लस R का मान 5 है तो 5 लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट ऑफ। अब क्या करना है, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 110/7 और फिर गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। अब इसको क्या करिए, कटा दीजिए या तो फिर गुणा कर दीजिए। अगर इसको पूरा गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 1980/7 हो जाएगा। अब इसे आप कटा सकते हैं, तो इसको कटाइएगा दो बार में, तो 7 × 2 = 14 कट जाएगा, बच जाएगा कितना उसमें 5, तो 8×56 यानी कि 8×56 कट गया, बच गया उसमें कितना फिर 2, तो 20 हो गया, तो 14 कट जाएगा, 7×2 = 14 दो बार में कट जाएगा, तो कितना 20 में 14 चला जाएगा, तो 6 बचेगा, यानी कि 6 में 7 से भाग नहीं लगेगा, तो आपका आ गया 282.7 क्योंकि 6 बचा था, तो आप यहां पर लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 282.7 सेंटीमीटर, और आप यहां पे ये या का चिन्ह